अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट स्टार टोपोलॉजी, लेक्चर नंबर 43। व्हाट इज़ स्टार टोपोलॉजी? ऑल होस्ट इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस नॉन एज हब डिवाइस यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जितने भी होस्ट होते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर, वो सब जो हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। सेंट्रल डिवाइस जो होती है, जो सेंटर में होती है, जिससे जो है वो सारा डाटा जो हमारा वो शेयर हो रहा होता है, और जिसके बेस पे जो हमारा डाटा चल रहा होता है, शेयर हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं हब। हब डिवाइस, हब जो है वो एक डिवाइस होती है जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करती है। हर पीसी के साथ जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है उसके अंदर। डैट इज़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड हब, यानी कि होस्ट और हब के दरमियान जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन उसके अंदर होता है। यानी कि वो ऐसा नहीं होता कि वो दूसरे होस्ट के साथ हो जाए, यानी कि एक होस्ट के साथ जो है वो हब कनेक्ट होती है, और इस तरह से उन दोनों का जो है वो वर्किंग चल रही होती है। द हब डिवाइस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, और हब डिवाइस जो है वो उसके साथ कुछ भी अटैच कर सकते हैं हम। लेयर वन डिवाइस सच एज हब और रिपीटर, लेयर टू डिवाइस सच एज स्विच और ब्रिज, यानी कि हब के साथ जो है वो हम रिपीटर भी जो है उसको ऐड कर सकते हैं। लेयर वन के अंदर ये होता है, लेयर टू में ये होता है कि स्विचेस होते हैं, यानी कि कोई भी पीसीज जो हैं वो स्विच होकर दूसरे पीसीज के साथ जो है वो अटैच हो जाए, या ब्रिज होते हैं। लेयर थ्री डिवाइस सच एज राउटर और गेटवे, और लेयर थ्री के अंदर राउटर्स होते हैं, यानी कि किस रूट में जाना है वो रूट होता है, और उस रूट के थ्रू हम जो है वो वर्क करते हैं, और इस तरह से डाटा शेयर होता है। नेक्स्ट वन इज़ एज इन बस टोपोलॉजी, हब्स एक्ट एज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इफ़ हब फेल्स, कनेक्टिविटी ऑफ ऑल होस्ट टू ऑल अदर होस्ट फेल्स। इट मीन्स अगर देखा जाए बस टोपोलॉजी की तरह ही हब जो है वो ऐड करती है, यानी कि ये सिंगल जब ये फेल हो जाती है सिर्फ जस्ट हब जो है, तो पूरा ही जो जितने भी होस्ट होते हैं वो भी सब फेल हो जाते हैं, यानी कि उनके साथ डाटा जो है वो शेयर नहीं हो सकता। जब हब फेल हो जाएगी तो डाटा पीसीज के साथ शेयर नहीं हो सकता। एवरी कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट टेक्स प्लेस थ्रू ओनली द हब, और कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी बातचीत करनी हो होस्ट के दरमियान, तो हमें एक ऐसी जगह रखनी पड़ती है जहाँ पर सिर्फ हब हो। हब होगी तो जो है वो हम अपनी कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, एक पीसी से दूसरे पीसी से कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज़ नॉट एक्सपेंसिव एज टू कनेक्ट वन और मोर होस्ट। स्टार टोपोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा होस्ट ज़रूर होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं। ओनली वन केबल इज़ रिक्वायर्ड एंड कॉन्फिग्रेशन इज़ सिंपल, और सिर्फ इसके अंदर एक ही केबल यानी कि एक ही तार या वायर की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही सिंपली जो है उसको कन्फिगर किया जाता है। नेक्स्ट ये है स्टार टोपोलॉजी, इस तरह से ये मिडल में जो है ये हब लगी हुई है, और ये जो चारों तरफ इसके जो है वो हब बनी हुई है, सॉरी पीसीज हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्ट हैं। और ये अगर ये हब जो है मिडल वाली, ये अगर फेल हो जाए तो पूरा जो ये सिस्टम है ये फेल हो जाता है, यानी कि कोई भी डाटा जो है वो शेयर नहीं होता, ना ही कम्युनिकेशन होती है। इसलिए जो है वो हब अगर ख़राब हो जाए तो उसको सही करवा लेना चाहिए, ताकि पूरा सिस्टम जो है वो उसके अंदर डाटा जो है वो इजीली ट्रैवल कर सके। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इट इज़ वेरी रिलायबल। इफ़ वन केबल और डिवाइस फेल्स देन ऑल द अदर विल स्टिल वर्क। ये बहुत ज़्यादा इस पर पूरा एतमाद है, यानी कि इसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक वायर जो है या एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो दूसरी डिवाइस जो है वो वर्क करती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं। इट इज़ हाई परफॉर्मिंग एज नो डाटा कोलिजन्स कैन अकर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इसके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसके अंदर कोई भी डाटा जो है वो उसके अंदर कोई भी इशूज़ नहीं आते, और ना ही वो कोई ख़राब होता है डाटा हमारा, ना वेस्ट होता है। लेस एक्सपेंसिव बिकॉज ईच डिवाइस ओनली नीड वन इनपुट आउटपुट पोर्ट
एंड विशेज टू बी कनेक्टेड विद हब विद वन लिंक। ये इसलिए कम एक्सपेंसिव है क्योंकि ये हर डिवाइस जो है उसको ज़रूरत होती है एक इनपुट आउटपुट पोर्ट की, और इसके अंदर जो है ये सब कुछ अटैच है और ये सब कुछ हब के साथ अटैच है, और हब जो है वो एक ही लिंक के साथ अटैच है, कनेक्ट है, इसलिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। इट इज़ ईजियर टू पुट इन, इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको अटैच करना, इसकी वायरिंग वगैरह करना बहुत ज़्यादा आसान है। रोबस्ट इन नेचर, रोबस्ट इन नेचर मीन्स कि ये जो है ये कुदरती जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इस तरह की नहीं होती बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर वायर्स लगी होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी फॉल्ट डिटेक्शन बिकॉज द लिंक आर ऑफन ईजीली आइडेंटिफाइड, यानी कि इसके अंदर हम आसानी के साथ जो है कोई भी फॉल्ट जो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तलाश कर सकते हैं आसानी के साथ कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी इश्यूज हो, क्योंकि ये लिंक जो है वो हमें बहुत आसानी के साथ हम पहचान सकते हैं उस लिंक को कि क्या कहाँ पे कनेक्शन का इशू आ रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो। नो डिस्ट्रप्शंस टू द नेटवर्क व्हेन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइसेस, और कोई भी मसले मसाइल नहीं होते अगर हम कोई भी डिवाइस जो उसको रिमूव करें या कनेक्ट करें, तो कोई भी मसला मसाइल पूरे नेटवर्क के अंदर नहीं होते। ईच डिवाइस रिक्वायर्स जस्ट वन पोर्ट डैट इज़ टू अटैच टू द हब, यानी कि हर जो डिवाइस है उसको ज़रूरत होती है सिर्फ एक पोर्ट की जो कि अटैच हो सके या कनेक्ट हो सके हब के साथ। इफ़ एन डिवाइस आर कनेक्टेड टू एवरी अदर इन स्टार देन द अमाउंट ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड टू अटैच देम इज़ एन, सो इट इज़ ईजी टू लाइन अप, यानी कि एन डिवाइस यानी कि कोई भी डिवाइस है अगर वो कनेक्ट हो दूसरी डिवाइस के साथ स्टार टोपोलॉजी के अंदर, तो जो केबल की अमाउंट है उसको ज़रूरत केबल जो है उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो उस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो ताकि और दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, और इसलिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा ईजी है कि इसको लाइन अप कर सकते हैं, यानी कि हमने अगर इसको अटैच करना हो तो हम ईजीली अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, रिक्वायर्स मोर केबल देन अ लीनियर बस, लेकिन लीनियर बस अगर बस टोपोलॉजी के तरह देखा जाए उसके नस्बत देखा जाए तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर केबल्स बहुत इस्तेमाल होती हैं, यानी कि वायर्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वायर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इफ़ द कनेक्टिंग डिवाइस नेटवर्क स्विच फेल्स, नोड्स अटैच्ड आर डिसेबल्ड एंड कांट पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि अगर कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस है या नेटवर्क स्विच है अगर वो फेल हो जाए तो नोड जो है वो अटैच नहीं होती, यानी कि ना ही वो पार्टिसिपेट करती हैं ना ही वो कम्युनिकेशन उनकी होती है आपस में। मोर एक्सपेंसिव देन लीनियर बस टोपोलॉजी ड्यू टू द वैल्यू ऑफ द कनेक्टिंग डिवाइस नेटवर्क स्विचेस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है बस टोपोलॉजी से क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट किस्म के कनेक्ट होती हैं, नेटवर्क स्विचेस होते हैं, इसलिए जो है ये स्टार टोपोलॉजी जो है बस टोपोलॉजी से एक्सपेंसिव होती है, यानी कि महंगी होती है। इफ़ हब गोज डाउन एवरीथिंग गोज डाउन, नॉन ऑफ द डिवाइस कैन वर्क विदाउट हब, अगर हब ख़राब हो जाए या हब जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ भी चीज़ जो है वो नहीं चलती और ना ही कोई डिवाइस चलती है और ना ही कोई वर्क परफॉर्म करती है। विदाउट हब अगर हब नहीं होगी तो डिवाइस जो है आपस में लिंक नहीं कर सकती, आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, डाटा जो है वो शेयर नहीं हो सकता। हब रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड रेगुलर मेंटेनेंस बिकॉज इट्स द सेंट्रल सिस्टम ऑफ स्टार, और हब जो उसको ज़रूरत पड़ती रहती है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कि कोई किसी ज़रिए से जो ये हब जो है वो रेगुलरली उसकी मेंटेनेंस होती रहे, क्योंकि हब जो है वो स्टार का मिडल वाला सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम है जिसकी बेस पर जो है वो पूरा सिस्टम चलता है। एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड हब्स और स्विचेस विच एड्स टू कॉस्ट, और एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है और एक्स्ट्रा हब्स की भी और स्विचेस की भी,
और ये सब जो है इनकी इनको भी कॉस्ट में ऐड किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक कॉस्ट बनाते हैं। परफॉर्मेंस इज़ प्रिडिक्टेड ऑन द अदर कंसंट्रेटर डैट इज़ हब, और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और एक ही दफ़ा जो है ये पूरा डाटा जो है वो इजीली शेयर कर देता है या कम्युनिकेशन जो है वो आसानी की सद हो जाती है हब के साथ। इस तरह से जो है ये हमारा जो है वो स्टार टोपोलॉजी का एंड होता है। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।